हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट फटाफट, क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं बच्चों के नानी के घर, मेरे मायका। तो इसीलिए फटाफट फिर सैंडविच बना देती हूँ। एक सैंडविच तो खा लेंगे लोग, इजी रहेगा बनाने में। सारे बर्तन जो हैं मैं धुल चुकी हूँ, सारे काम कर चुकी हूँ, सारी पैकिंग हो चुकी है। बस कुछ पैकिंग थोड़ी सी बाकी है, जो कॉस्मेटिक होता है वही सब, बाकी सब कुछ डन है। तो अभी हम लोग क्या हुआ, वो हस्बैंड जो है अपना चले जाएंगे काम पे, उनका ब्रेकफास्ट था वो पैक कर दूंगी। बाकी सारी पैकिंग डन हो चुका है, अली जा रहे हैं, बच्चे रेडी हो गए हैं, बच्चों को हस्बैंड छोड़ के तभी अपने काम पे जाएंगे। और उसके बाद से मैं तैयारी कर लूँगी, भाई लेने के लिए आने वाला है तो भाई के साथ मैं घर चली जाऊँगी। ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है, पास में ही है, तो मैं भाई के साथ चली जाऊँगी। अभी मैं बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने, बच्चे जो हैं जा चुके हैं नानी के घर। तो अभी मैं देखिए क्या कर दी, मैं कैमरा पकड़ के एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो सब होने के बाद सब ये जो कॉस्मेटिक होता है वही सब पैकिंग करना है, इन सबको रखूँगी। तो बस ये सब रखने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, नहा के फिर भाई आएगा तो मुझे लेके जाएगा। तो बाकी मैं घर पहुंचने के बाद ही आपसे मिलूंगी। अभी ये सब मैं रख ली हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ। तो अभी मैं घर जाके ही आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मैं अभी इडली है, मतलब वो लिट्टी बोलते हैं ना, हाँ लिट्टी मेरा फेवरेट है, तो मैं बस वही खा रही। पापा लाए थे मेरे लिए, तो ये खाने के बाद अभी बनेगा बिरयानी। तो बिरयानी ही बनाना है घर पे, तो वही मैं बनाऊंगी। अभी बना ली भी हूँ, 3 बज चुका है, मैं कोई वीडियो जो नहीं बनाई हूँ। बस रोज़ तो बनाती हूँ, ऐसे भी क्या वीडियो बनाना। तो ये रेडी हो चुका है, लगभग 3 बज गया। मैं 11 बजे आई थी घर पे और ये सब कुछ करते करते 3 बज जाता ना, थोड़ा बैठ के बातचीत ये सब कुछ। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है यम्मी बिरयानी, आप लोग भी आ जाओ खाने। तो अभी हम सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद से रेस्ट करेंगे। कल से सब सारे काम चालू करना है, तो इसलिए मैं पहले, आज का दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो आप लोगों को पता ही, मैं घर क्यों आई हूँ, मेरे भाई की शादी में। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आगे मैं बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो डालूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं का एक हफ्ता हो चुका है, पर मैं वीडियो एडिटिंग करके अब डाल रही हूँ। तो अभी हम सब लोग बैठे हैं, भाई पापा मम्मी बच्चे लोग सारे लोग एक साथ खा रहे हैं। मेरे घर ऐसे रहता है सब लोग एक साथ ही खाते हैं, तो सब लोग एक साथ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस मेरे हस्बैंड नहीं है, वो थोड़ा लेट से आते हैं, तो बात खा लेंगे, इसलिए मैं सबके साथ खा लूँगी। ऐसे तो अभी सब कुछ होने के बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। तो फिर रात का जो रोटी वोटी होता है वही बनाई, क्योंकि लेफ्ट ओवर बिरयानी दोपहर का बहुत सारा बचा हुआ है, तो इसी से हो जाएगा ना। और रोटी भी बना ली हूँ, हस्बैंड की ये रोटी है, हस्बैंड के लिए अलग पैक कर लेती हूँ, घर ले जाए खा लेते हैं। और बाकी ये घर के लिए है, रोटी बन चुकी। तभी मैं बोतल धुल के ऐसे दूध भर के इसमें डाल दूँगी, हाँ। उसके बाद बच्चे लोग को खाना खिलाने जाऊँगी, वो लोग को खाना खिला के बस फटाफट दूध दे दूँगी, दूध पी लेंगे और फिर सो जाएंगे। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, बच्चे लोग को सुलाने के बाद मैं खाना खाने जाऊंगी आराम से। तो अभी दूध भर देती हूँ बोतल में, दूध ठंडा करने के लिए ऐसे ही पानी में डालती हूँ, दूध ठंडा हो जाता है बहुत ही आराम से, चिल्ड पानी रहता है और फटाफट दूध जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तभी मैं बच्चे लोग को खाना खिलाने बैठी हूँ, इन लोग को खिला के और दूध भर के दे दूँगी। अभी दूध शायद भरी नहीं हूँ, पता नहीं। तो अभी सब 3 बच्चों को खाना खिला दूंगी, 3 खा
लेंगे। ये बहुत आटा करता खाना खाने में। तो बाकी बच्चे लोग खाना दोनों तीनों खा चुके हैं और मैं दूध भर देती हूँ और बस इन लोगों को सुलाने के लिए बिस्तर पे बोल दूँगी। और उन लोग के साथ बैठना भी पड़ता है तो ही सोते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं सोते हैं। तो बस अभी मैं और तभी इन लोग को दूध दे दूँगी सोने के लिए, तो बाकी सारे लोग खाना खा लेंगे। इन लोग सुला दूँगी जल्दी, बच्चे थक चुके हैं तो कहीं जाने जाने में थकान हो जाती है थोड़ा सा। और यहाँ नानी के घर आके ज़्यादा मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए और ज़्यादा थक गए हैं। तो बस इन लोगों को दे देती हूँ, दूध पी लेंगे और सो जाएंगे। तो ये मेरा रूम है, तो बच्चे दोनों लिटा दिए हैं, दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए तो भी दूध पीते हैं। अभी इन लोगों को सुला दूंगी, लाइट बंद कर देते हैं और इन लोगों को सुलाने के बाद मिलते हैं खाना खाने के समय। ये छोटा वाला तो सोता भी नहीं है, बस दोनों को सुलाने ले जाती हूँ। तो दोनों बेटी सो चुकी हैं और ये अभी जगे हुए हैं, ये भी नहीं सोएंगे जब तक मैं नहीं सोती हूँ, ये भी नहीं सोता है। तो यही बस शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे, इनको लैपटॉप चलाने का काफ़ी शौक़ है। हाँ बस ये लैपटॉप के पीछे ही लगे रहते हैं मामा के। तो बस ये यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं और मामा पापा ये सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि मैं इडली का बैटर, चावल और दाल दोनों भिंगाती हूँ। तो इडली सुबह बनाना है तो इसलिए बैटर को रेडी करके रात में रखना पड़ता है, तब ना वो फॉर्मेट होता है तो बनता है। बस वही कर रही हूँ। तो ये उड़द दाल है, तो अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उड़द दाल बिल्कुल बहुत ही हार्ड होता है तो उसको थोड़ा सावधानी से पीसना पड़ता है। इसमें पानी थोड़ा सा मात्रा इसका ज़्यादा रहना चाहिए पानी का, तो बहुत अच्छे से पीस जाता है मिक्सी में। तो चावल और दाल दोनों मैं पीस चुकी हूँ और बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका कोई रेसिपी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, बस दिखा रही हूँ। ये सब फॉर्मेट करके और इसमें बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल के, थ्री टेबल काफ़ी ज़्यादा है मेरा, कम से कम 1.5 किलो के आसपास है दाल चावल दोनों मिक्स करने के बाद। तो इसलिए तो भी सारे काम हो चुके हैं बिल्कुल। तो अभी मैं और मम्मी दोनों खाना खा लेंगे, वही लेफ्ट ओवर बिरयानी दोपहर का, रोटी बनाई थी आप लोग से साथ दिखाई भी थी। तो बस यही है और सुबह हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इडली भी रेडी हो चुका है, तो सुबह में थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड करके इसी में जोड़ दी हूँ। तो इडली और नारियल की चटनी और ये केचप है। तो यही है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। बाकी अभी बहुत 3 राउंड मैं इडली बनाती हूँ, तो 1 राउंड बन गया है, हस्बैंड को और भाई को दे दी हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पे और बाकी ये बना हुआ है, इसमें से हम सब लोग खाएंगे। 1 राउंड और बनाऊंगी, 3 बार मिटली फाइनल होता है। तो ये सब नाश्ता वास्ता डन हो चुका है बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें। मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी, अली मम्मी के गोद में मैं मार्केट गई थी, वहाँ का ब्लॉग है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।